कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, आज हम रिव्यू करेंगे कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान रिव्यू की कंपनी का, और इसके शेयर्स प्राइस को देखेंगे, कुछ फाइनेंशियल देखेंगे, और ये देखेंगे कि अगर 2004 में कुछ शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी क्या वेल्थ होती, क्या रिटर्न कोलगेट पामोलिव की तरफ से हमें मिल रहा होता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, और मल्टीनेशनल कंपनी है कोलगेट पेस्ट से तो सभी वाकिफ़ हैं, इसके अलावा बोनस है, ब्राइट है, एक्सप्रेस है, और भी बहुत सारे कंज्यूमर आइटम ये बनाते हैं। और आपको पता है कि किसी तरह का भी कंडीशन हो, जंग हो, अमन हो, या जो भी हालात हो, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज़ होते ही होते हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे के जाते हैं। तो सबसे पहले तो आगे हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स जो है। इस वक्त 1330 रुपए का ट्रेड हो रहा है ये, और ये 52 वीक का लो अगर आप देखें तो 1040 रुपए इसका लो हुआ है, और हाई देखें तो 2185 रुपए का इसका हाई हुआ है। और आई थिंक इन्होंने जो बोनस दिया था तो उसकी वजह से इसकी रेट जो थे वो कम हो गए थे मेरे ख्याल से, ये 500 वो हम डिटेल में जाके देख लेंगे, 50% का बोनस दिया था, यानी कि जो शेयर्स आपके थे उस पर उसका 50% बोनस इन्होंने दिया था। तो प्राइस मार्केट कैपिटल 322 बिलियन की मार्केट कैपिटल है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है 11% का, और फ्री फ्लोट शेयर जो सिर्फ 10% है जो कि 24 मिलियन बनते हैं, टोटल शेयर 242 मिलियन है। तो बहुत थोड़ी सी जो है वो शेयर होल्डिंग है वो मार्केट के अंदर, बाकी सारा जो है कोलगेट पामोलिव अपने यूज़ करता है, अपने हाथ में रखता है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अर्निंग पर शेयर, आपको पता है कि उसका उससे पता चलता है कि एक शेयर पे आपको क्या अर्निंग है, तो ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 42 रुपये 88 पैसे, जबकि शेयर प्राइस देखे जाए इस वक्त 1330 रुपये का है। और क्योंकि ये कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा होता है इस शेयर का, और इसकी बोनस की वजह से लोग इसको परचेज करते हैं। वॉल्यूम देखिए कि इस 1300 रुपये के होने के बावजूद इसका वॉल्यूम जो है 20,900 का वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग के टाइम पर ये आया है, लास्ट जो वर्किंग डे था। अब हम आगे जाके इसकी बात कर लेते हैं, तो ये एक वीक, एक मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ और एक साल, ये पूरे साल इस वक्त इसका जो है कोई अच्छा इस पर इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव में है, -0.84, -3.63%, 18% -18%, 2% पॉजिटिव सिक्स मंथ का, 4% वन ईयर में। तो इस वक्त ये जो आपको मिल रहा है ये वीक 25 यानी एक साल के कम से कम रेट जो पर जो है ये आपको मिल रहा है। तो देखें अगर आप इसको समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना, बीटा वैल्यू इसकी बहुत कम है 0.64 की। अच्छा, नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है 2022 में, तो तकरीबन बहुत अच्छा इसका जो है वो इंक्रीमेंट आया है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 77% की पॉजिटिव है, सेल्स जो है 91 बिलियन की सेल्स की बनती है, सेल ग्रोथ जो है 46% है, अर्निंग पर शेयर 42 रुपये। तो ये तो इसके फाइनेंशियल्स हैं, कुछ एसेट्स की देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ जो है वो 21 बिलियन की है, इक्विटी 24 बिलियन है, और ये तकरीबन 70 बिलियन के इसका डेप्ट वगैरह भी इसमें आई थिंक आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि जो एसेट में जो है वो इंक्रीमेंट इनका जो हो रहा है वो 2023 में कुछ ज़्यादा बेहतर दिखने को आया, लेकिन इससे पहले इतने अच्छा एसेट नहीं थे। और आगे हम चल के देखते हैं कि 2004 से लेके 2024 तक के जो रिटर्न्स हैं उसकी क्या डिटेल है, और उसमें अगर हम इन्वेस्ट किए होते तो उसकी क्या वेल्थ होती, तो वो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या रिटर्न्स जो है आपको मिले हैं। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी वो 1,12,000 रुपये, मिसाल के तौर पे आपने 1,12,000 रुपये के शेयर्स परचेज किए थे 2004 के अंदर, जो कि 1,000 शेयर्स बनते हैं,
लेकिन वो आपको जो रिटर्न्स जो आपको मिले यानी डिविडेंड की फॉर्म में मिले वो मिला है 27,39,000 रुपये। अब आप ये देखें कि 1,12,000 की इन्वेस्टमेंट है और डिविडेंड आपको 27,39,000 के करीब मिलता है, और बोनस यानी कि 1,000 शेयर आपके शेयर्स जो बन जाते हैं वो 18,850 शेयर हो जाते हैं। तो कितना बड़ा रिटर्न इसके अंदर आपको मिलता है। आगे अभी हम इसकी डिटेल अब चेक करते हैं। डिटेल में आप जाएं तो यहाँ पर देखें कि 2000 ये हमने एयर का कॉलम बनाया है, ये हमने उसका स्टेटस बताया है कि डिविडेंड मिला है, बोनस मिला है, और ये पे आउट की परसेंटेज किस हिसाब से मतलब डिविडेंड या बोनस मिला है, और डिविडेंड की अमाउंट क्या बनती है, शेयर कितने इंक्रीमेंट हो जाते हैं, और डिविडेंड टोटल कितना बन जाता है 1 साल का। तो यहाँ पे 2004 से डिविडेंड दिया है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने, 1,000 शेयर पे आपका पहले साल बन गया डिविडेंड 10,000 रुपये। 2005 के अंदर आपको 125% का डिविडेंड मिलता है, जिसकी मालियत बनती है 12 रुपये 50 पैसे यानी 12.5 रुपये। तो अभी आपके पास 1,000 शेयर हैं, तो आपके पास हो गए 12,500। ठीक है, डिविडेंड को हम साथ साथ कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। 2006 के अंदर डिविडेंड दिया है 160% का, उसकी मालियत बनती है 16 रुपये, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो 1,000 शेयर आपने परचेज किए हुए थे उस पे बन गए अब 16,000 रुपये यानी कि डिविडेंड। फिर आपको 2006 में बोनस मिलता है जो कि 25% का बोनस है, और ये बोनस से बोनस के बाद आपकी जो शेयर है वो 250 इजाफा हो जाता है। देखिए 1,000 से 2,500 रुपये ये इजाफा हो गया है। अब आपने 2007 में डिविडेंड जो है ना वो देखा 160% का दिया जो 16 रुपये बनता है। अब जो आपके क्या कहते हैं डिविडेंड आपको मिलेगा वो 1,000 रुपये पे नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 1,1250 पे, यानी कि 16 को आप 1,250 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका डिविडेंड बन जाता है, ये कंपाउंडिंग हो रही है, 20,000 रुपये बन जाता है। फिर 2007 में बोनस दिया है 25% का, अब आपकी शेयर्स की मालियत हो गई है, सॉरी शेयर्स की तादाद हो गई है वो 1,563 हो गई है। उसके बाद 2008 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब 10 रुपये का डिविडेंड जब 1,563 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाते हैं 15,625 रुपये। अब क्योंकि शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं तो जाहिर है आपकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो उसी से हिसाब से होगी। फिर बोनस दे दिया 25% का 2008 में, फिर बोनस दिया जो कि अब आपके शेयर्स जो हैं वो 1,953 हो गए। और 2009 में 11 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया, इसको मल्टीप्लाई करें आप 1,953 से तो बन जाते हैं 22,461। फिर बोनस दिया है, बोनस 15% का दिया तो अब शेयर्स की तादाद 2,246 हो गई है। फिर 2010 में 13 रुपये का बोनस दिया, अब 13 रुपये का जो बोनस 13.5 रुपये का जो बोनस है वो 2,246 पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर 30,322 रुपये बन रहे हैं 2010 में, और 2009 के अंदर जो आपके 1,953 के 22,000 बन रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट आपके डिविडेंड में भी हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे बोनस देखिए 15% का बोनस दिया है तो फिर शेयर आपके बढ़ गए और 2,583 हो गए। फिर डिविडेंड दिए 14 रुपये का तो 2,583 हो गए। 2011 बोनस तो 15% का बोनस दिया है, फिर तकरीबन 2,970 हो गए शेयर्स की तादाद। ये शेयर्स का खाना चल रहा है, साथ साथ ये डिविडेंड का चल रहा है। तो अब इसको हम मुख्तसर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि टोटल कितने शेयर्स हो गए। तो 2024 में टोटल जो शेयर्स हो गए वो 19,850 शेयर। अब आप अंदाज़ा करें कि 19,850 शेयर, यहाँ देखें ये 2023 में मैंने कहा था कि जो 50% का नहीं बल्कि 100% का बोनस दिया है, जो कि 9,000 शेयर आपके एकदम से 19,850 शेयर हो गए 2023 की बात हो रही है। और आपको जो डिविडेंड फिर मिला है 2023 में, जो 40 रुपये का डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड बना है 3,97,000।
अब आप अंदाज़ा करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1,14,000 थी 2004 में, और 2024 में आपकी जो वेल्थ हो गई है वो हो गई है तकरीबन कोई 2,91,44,084 रुपये। ये है कंपाउंडिंग का फ़ायदा, ये है कंपाउंडिंग, ये है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रिटर्न। अगर आप सही इन्वेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न जो है वो आपको बिलियनियर बना देता है। और आप ग्रोथ देखें तो 32% की पर ईयर की ग्रोथ है, जिसमें बोनसेस जो मिले हैं कोलगेट पामोलिव की तरफ से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है, एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं बनवाया है। तो हमारी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अकाउंट बनाने का तरीका और कि रिक्वायरमेंट क्या होती है वो डिटेल भी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि कंपाउंडिंग के ज़रिए आपकी वेल्थ कहाँ पहुँच जाती है। और आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर है आप कंपनी में शराकत दारी है आपकी, तो उसके रिटर्न्स आपको मिल रहे होते हैं, उसके बोनसेस आप इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और मज़ीद किसी वीडियो पे आप रिव्यू चाहते हैं, किसी कंपनी का रिव्यू चाहते हैं और कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।